अभी अब कुछ ही दिनों बाद बतौर मुख्यमंत्री आपको प्रदेश में 3 साल पूरे होने वाले हैं। उपलब्धियां अगर बोलूं तो काफी लंबी फेहरिस्त है आपके पास, चुनौतियां क्या मानते हैं आप कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चुनौतियां हैं, और कुछ उपलब्धियां अगर जिक्र करना चाहें जो आपको लगता है कि राज्य के लिए काफी अच्छा हुआ है। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और उसके लिए सबसे पहले हमने ऋण माफी, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, फिर 9,000 प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी, और उसके साथ साथ लघु उपज के वृद्धि खरीदने के 4,000 प्रति माना बोरक तेंदुपत्ता, और साथ ही लघु उपज खरीदने की व्यवस्था, उसके वैल्यू एडिशन। पहली बार हम लोग कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य घोषित किए हैं और उसे खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया है। उससे कारण से हुआ यह है कि हमारा जो शहरों के जो बाजार हैं उसमें रौनक रहा है, दीपावली में भी खूब रौनक रहा है, सभी सेक्टर में ग्रोथ रहा है, तो ये हमारे फायदे हैं। दूसरे तरफ जो अभी जो बातें आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, कार्बन उत्सर्जन की बात आ रही थी, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है, चाहे नर्वा के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग नालों का काम लगातार हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो कार्बन उत्सर्जन है तो उससे जो गौठान जो योजना है उसके माध्यम से गोबर खरीदी और गौठानों का निर्माण, और निर्माण के बाद जो पैरा है उसको इकट्ठा करके गौठान में लाने की व्यवस्था, न जलाने की अपील, तो एक जो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लोगों के सामने रखा है कि इस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। और एक और उसको छत्तीसगढ़ भले छोटा राज्य हो लेकिन एक उसके कैसे एक उत्तर खोजने की जो कोशिश है वो इस प्रकार से, और उसके बाद लोगों की इनकम बढ़ाने की बात जो हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं, और इसे सफल बनाना, और उसके बाद अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें हमारे जो शहर के जो व्यापारी हैं उनको जिन सामानों की जरूरत पड़ती है वो उत्पादन हमारे गाँव में हो और शहर हमारा विक्रय केंद्र हो, ये उत्पादक केंद्र हो गाँव और शहर है वो हमारा व्यापार का केंद्र हो, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग दोनों का हमको करना है, तो एक बड़ी चुनौती है। और यदि ये हम करते हैं तो बापू के जो ग्राम स्वराज्य है जिसे हम सुराजी गांव योजना हम लोग किए वो एक बड़ी चुनौती, उसको करेंगे तो निश्चित रूप से जो पुराना गौरव हिंदुस्तान का रहा है वो गौरव हासिल करने में एक सकारात्मक मजबूत कदम होगा।